बड़वानी जिले के आशाग्राम के कोविड सेंटर में पदस्थ सफाई कर्मी मंजूबाई की बड़ौदा गुजरात में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी मौत के बाद सफाई कर्मी आक्रोश में है। मृतक की सहकर्मियों की माने तो मंजूबाई 4 माह से आशाग्राम में बने कोविड सेंटर में कार्यरत थी, जिसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन RMO ने छुट्टी नहीं दी। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर छुट्टी दी, जिसके बाद मंजूबाई को बड़ौदा ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अन्य सफाई कर्मियों का आरोप है कि पिछले 4 माह से न मंजूबाई को वेतन मिला, न अन्य किसी सफाई कर्मी को अब तक वेतन दिया गया। वहीं मंजू को पिछले कुछ दिनों से लगातार RMO द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। अपना काम करने के बाद भी उसे अन्य दूसरे कार्य करवाए जाते थे। कोविड सेंटर में कार्य करने के बाद बाहर भी साफ सफाई करवाने व अन्य दूसरे कर्मचारियों के कार्य भी इसी से करवाए जाते थे। इस मामले में जब CMHO और सिविल सर्जन से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने ठेकेदार का मामला बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार करते हुए खुद का बड़वानी से बाहर होना बताया। वहीं RMO भी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। किरण, ये काम करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। ये हमारे साथ में सफाई कर्मी थी, क्या नाम था और कहां पर ड्यूटी? मंजूबाई थी, कोरोना में ड्यूटी लगाई थी, 3 महीने कंटिन्यू ड्यूटी चली उसकी, और काम करते करते ये कंडीशन आ गई कि आज वो मौत के मुंह उतर गई है। कारण ये है कि RMO आए दिन उसको परेशान करता था और हम लोगों को भी परेशान करता है आए दिन ऐसा, और आए दिन धमकी देता था, काम नहीं करो तो घर जाओ, काम नहीं करो तो घर जाओ। ब्लैकमेल कर कर के उससे इतना काम कर लिया कि आज वो मरने पे मजबूर हो गए और उसकी जान चले गई है। कैसे मौत कैसे हुई, कारण क्या था? कारण वो कि बाहर ग्राउंड में काम करवाना सफाई कर्मी की जगह पे बहुत भयंकर, 8-10 घंटे की ड्यूटी लेना 8 घंटे की जगह पे, इसलिए खाना वक्त पे नहीं मिला और तनख्वाह नहीं मिली वक्त पे, इसलिए कमजोरी से उसके प्राण चले गए। 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं डली है, अभी भी कोई उसकी तनख्वाह का कोई लापता है। अस्पताल प्रशासन आए यहाँ पर? कुछ कोई प्रशासन नहीं आए, सफाई कर्मी आए हैं, उसके सिवा कोई प्रशासन नहीं आई है, और ना ही उसको ब्लड मिला है और ना ही RMO ने उसको फ्री करवाया है। कोरोना में उसकी ड्यूटी थी, अन्यथा उसको बहुत परेशान करा, कोरोना में भी डबल वार्डों में उससे ड्यूटी ली गई है और इतना परेशान करा है कि क्या बताएं, अब हम बोलने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जा रहा है सफाई कर्मी उनके साथ में। मेरा नाम मनीषा है सर। ये हम सफाई कर्मी हैं और हमारी जो सफाई कर्मी हमारे साथ में मंजू भाई थी, उसकी 4 महीने मतलब कोरोना वार्ड में आशाग्राम में ड्यूटी 4 महीने मतलब रेगुलर में चली उसकी 4 महीने ड्यूटी है ना, और 4 महीने के बाद में वहीं से उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी हैगी, ना ही उसको एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली है उसके, और ना ही उसकी अभी तक तनख्वाह डली हैगी, और वो आज उसकी ऐसी नौबत आ गई है तो आज वो भगवान को प्यारी हो गई है। आज वो मर गई है, उसकी डेट हो चुकी है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और हमारे साथ में हमारे सफाई कर्मी सब आए हैंगे, अस्पताल का एक भी रेगुलर कर्मचारी कोई नहीं आया है, ना ही कोई मतलब अधिकारी यहाँ पे आए हैंगे, तो आज वो उसके साथ में ऐसा हुआ और आज यही हमारे साथ में घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी ले रहे हैं कि अस्पताल के कर्मचारी, उनकी जिम्मेदारी? और आज भी हमको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है और आज भी वो मंजू भाई मर चुकी है, ना ही उसकी अभी तक तनख्वाह डली है कि नहीं उसकी। किस तरीके से परेशान किया जाता है? यही कि उसको मतलब वार्ड में ड्यूटी 2 घंटे करवा लेना, उसके बाद में ग्राउंड में झाड़ू लगवाना, बाहर का कचरा फेंकवाना और लेटरिन बाथरूम साफ करवाना, ना ही उसकी वार्ड में ड्यूटी लगती थी, ना ही कहीं नहीं, और ठेले गाड़ी से मतलब पूरा सामान लाती थी और बायो वेस्ट पूरा फेंकती थी, वो पूरा मेहतर का काम करती थी, भंगियों का काम उससे करवाते थे, और ना ही उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती थी उसकी, और 4 महीने उसने आशाग्राम में ड्यूटी करने के बाद में उसकी माँ से तबीयत खराब हुई हैगी, और ना ही उसके बाद में उसको छुट्टी भी नहीं मिली हैगी, और उसकी तबीयत खराब होने के बाद में तो आज उसकी ऐसी हालत हो गई तो आज वो भगवान को प्यारी हो गई हैगी, आज उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कौन सा अधिकारी जिम्मेदारी ले रहा है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।